दोस्तों सऊदी में जितने भी लोग जो है ना बाहर से काम करने के लिए आते हैं, वो लोग जो है ना सऊदी का जो बैंक का रूल्स है, जो सिस्टम है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अब ऐसा इसीलिए मैं बोलता हूँ, आप लोगों को इस वीडियो में समझ आएगा कि क्या बात है, क्यों ऐसा बात मैंने किया इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, अगर आप जो है ना सऊदी में रहते हो, अगर आपके पास किसी भी बैंक का बैंक अकाउंट है और आपके अकाउंट में जो है ना कुछ पैसे हैं, जैसे कि 500 रियाल चाहे 1000 रियाल, अगर आपका इकामा जो है ना एक्सपायर हो जाता है, तो उस पैसे को जो है आप निकाल नहीं सकते अपने अकाउंट से, चाहे उस पैसे को जो है आप अपने घर पे नहीं भेज सकते हो। अगर इकामा एक्सपायर हो जाता है तो आपका अकाउंट जो है बंद हो जाएगा। जब भी आप निकाल सकते हो अपने अकाउंट से पैसे, जब आपको एकामा जो है ना बनवाना पड़ेगा। एकामा बनने के बाद अपने अकाउंट को अपडेट करोगे, अपडेट करने के बाद जो है उस पैसे को निकाल सकते हो चाहे भेज सकते हो अपने घर पे। तो बैंक वाले लोगों को जो है ना कुछ इस सिस्टम को जो है ना कुछ रूल्स को बदलाव करना चाहिए। मान लीजिए अगर आपका एकामा जो है आज एक्सपायर हो गया, तो आज से 1 महीना तक जो है आप अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हो चाहे पैसे भेज सकते हो, ऐसा करना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग जो है ना अपने अकाउंट में कुछ ज़्यादा पैसे रखे होते हैं, कुछ लोग जो है ना अपने खर्चे के लिए पैसे रखते हैं, तो अगर आप तुरंत बंद कर देते हो एकामा एक्सपायर हो जाने के बाद, तो पैसा जो है बंदा रखा है उसको काम जो है ना सही टाइम पे जो उस पैसे को यूज नहीं कर सकता अपने काम में, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो बैंक परेशान करता है वो है दोस्तों SNB बैंक, जो क्विक पे अकाउंट होता है वो बैंक जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान करता है। जिन लोगों के पास क्विक पे अकाउंट है, वो लोगों से पूछ लेना, अगर सऊदी में रहते हैं वो आपको बता देंगे कि ये बैंक का जो रूल्स है कैसा है। सब कोई जो है ना इस बैंक के बारे में गलत ही बोलता है, चाहे अच्छा बैंक है कोई भी नहीं बोलेगा। और यहाँ का जो भी गवर्नमेंट का काम है ना, सभी एकामे से जो है ना कनेक्ट होता है। और जैसे आपका एकामा एक्सपायर हुआ, सब आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। और एकामा बनाओगे तो आपका जो है बैंक अकाउंट चाहे आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो है चालू रहेगा, नहीं तो सब बंद हो जाएगा। तो एकामा बनाने का ये जो सिस्टम एकामे से कनेक्ट होता है, इसीलिए होता है। जब आप एकामा बनाओगे और एकामे का जो पैसा लगता है, गवर्नमेंट जो है उसमें से टैक्स कमाती है, गवर्नमेंट के खाते में जाता है, इसीलिए एकामे से हर चीज़ यहाँ पे कनेक्ट होता है। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैंने इस वीडियो में कुछ गलत बोला कि सही बताया आप लोगों की जानकारी। चलिए ये भी करते हैं, वीडियो को समाप्त। जय हिंद, वंदे मातरम।